ना हाथ रोके, ऐसी वो सरकार है। और बता देता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं अपनी चुलाना की ही बात कर देता हूँ। 3 घटना पिछले 7 दिन के अंदर हो चुकी है, बता दू सारे ने। पहली घटना 4 दिन पहले काम के दौरे पे मेरा काफिला रोका, पेड़ डाल के रास्ते में काफिला रोक दिया, लेकिन आपका प्यार आशीर्वाद और सहयोग रहता, पेड़ ने हटा दिया, हमारा काफिला नहीं चलता रहा। दूसरी घटना 2 दिन पहले हुई, है एक मेरा दलित भाई है, सारे के सारे सोशल मीडिया पे वो आई है, उसको जाएगी याद पूछा कि तुम भाई वोट किसको दोगे, उसने कहा हम बीजेपी को देंगे, ना तुम ABCD पार्टी को दो, जो कि नाम नहीं, उसने उसके सर पे पुटल दे मारी, उसका लहूलुहान कर दिया सर। आज उसको पास में गया था, 8 टाक के आए हुए थे। तीसरी घटना भी बता दूं, कल एक गांव में प्रोग्राम हुआ, जिस भाई ने प्रोग्राम करा उसके घर जाकर उसके हाथ तपाई कर दी कि तुमने जो है बीजेपी का प्रोग्राम किस लिए करा। वह इस लेवल पे बौखला गए कि बीजेपी का कमल का फूल क्यों यहाँ बढ़ रहा है। इन्हीं तो आप संभाल कर लो, न्यू देख लो कि किस तरीके इनके रुझान सामने आ गए हैं। और मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ, उनका सूत बिठा दिया है, जाके पता कर लेना, सारी जगह पंचायत खड़ी कर दी है, लेकिन झुकने नहीं दूंगा ना दबने दूंगा। और मैं आपका विश्वास भी कह देता हूँ, तुम वोट डालने घर से निकल जाओ, अगर वो चौकीदार यहाँ है तो एक बात कहता हूँ, पीछे के 3 शब्द हटा देना, दार हटा देना, उड़े बिठा दूंगा, लेकिन किसी को यहाँ दबने नहीं दूंगा, ये मेरा ऐलान है। सहयोग मेरे पे रहा ना, सारे के सारे मिलकर के कमल का फूल यहाँ खिला देंगे, ये मेरी तरफ से आपका पूरा का पूरा विश्वास है। नहीं तो काम किया आपने, सोच समझते बढ़िया काम करा है, लेकिन मैं यहाँ आपके बीच में औद्योगिक विकास से लेकर के गुहार लगानी पड़े भारत सरकार दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेके जरूर आऊंगा, ये मेरा पक्का वादा है। और इससे पहले 4 दिन पहले जो है कि अपने ही जुलाना के अंदर एक मैंने मीटिंग भी करी है, उनसे मैंने हाथ जोड़ के विनती भी करी है कि तुम जो है कि मेरे को स्टूडेंट में आए कि तुम बाहर कुछ फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, उनसे मैंने हाथ जोड़ कर विनती करी, आप मैंने बस 20 दिन दे दो, 20 दिन के अंदर आपको जुलाना के अंदर वो आधार खड़ा कर दूंगा कि आप खुद ही या कहोगे भाई जुलाना में एक फैक्ट्री आप भी डाल देंगे। यह फैक्ट्री वाला काम तो मैंने जाएगी कर मन में ठान रखी, उड़े कुछ ना कुछ तो करूंगा। अरे दूसरे नंबर पे रोजगार को लेकर के मैंने काम करना है, नायब सैनी जी ने आपके लिए घोषणा कर दी है, वह अलग है, जरूरत पड़ी तो प्राइवेट नौकरी की कंपनी आड़े ला करके जो कि रोजगार भी आड़े बंटवा दूंगा मैं, उसमें की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे नंबर की बात, मेरी माँ आपको जो परेशानी आती है पानी पीने की समस्या, सबसे बड़ी है पूरे हल्के के अंदर एक कॉमन समस्या है, तब उस बात पे बेचिंतित हो जाओ, क्योंकि इसका एक एक रिपोर्ट कार्ड मैंने मंगवा रखा कि कद और कहां कैसे कैसे पैसे आए हैं, कब पैसे बटे हैं, कहां तक रूपरेखा पहुंची है, अगर किसी की जेब में पहुंचे है ना पैसे जो आड़े नहीं लगे हैं, मैं आपको यह कह देता हूं 2 महीने के भीतर भीतर उनकी जेब से पैसे बाहर निकल के आपके बीच में लगवा दूंगा, नहीं तो मेरा नाम बदल देना, ये मेरा बीच में एक भी दलाल आगे पढ़ने नहीं दूंगा। लेकिन जो काम होगा ना आपका, चाहे रोड का है, चाहे हॉस्पिटल में जो असुविधा है उसकी सुविधा को लेकर के हो, सारे के सारे काम बता कराने ही कराने हैं, क्योंकि आप लोग पिछले 70 साल से इंतजार कर रहे हैं। रही बात है इलेक्शन को लेकर के, यह इलेक्शन भाईचारे का, छत्तीस बिरादरी का है और जुलाने के विकास का है, कुछ लोगों ने इसको अपने ही साथ अपने तक ही सीमित रख रखा है। अरे मैं तो यह कहूँ कि जो सुख दुख का साथी है, जिसने संगठन के साथ में चलना आता है, जो माता पिता के जो है कि इमोशन के साथ में, उनकी सोच समझ के साथ में जिसको चलना आता है, अरे वही तो विकास के बारे में सोचेगा, नहीं तो सारे के सारे आड़े आवेंगे और फिर चले जाएंगे, कोई आपके बीच में नहीं आवेगा। सैनी जी की कार्यशैली पर विश्वास है, नायब सैनी जी की बातों पे विश्वास है, और अगर रक्ति भर भी मेरी बातों पे अगर आपने विश्वास है तो मैं आपसे एक विनती करता हूं, और यह आपसे विनती यह भी करूंगा कि मैं आने अकेला कमल के फूल का प्रत्याशी कौन हूं, मेरा 1,84,000 परिवार जो जुलाना के सारे कमल के फूल के प्रत्याशी है, मानते हो अपने आप को, अगर आप
कमल के फूल के प्रत्याशी मानते हो तो आपको बेरा है ना क्या काम करना है। 5 तारीख ने पता है ना कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है ना। भाजपा सरकार सेंटर में कितनी बार बढ़ गई है और हरियाणा में कितनी बार बढ़ने जा रही है, और जलाना में कमल का फूल कितने नंबर पे है, और क्या करके मानोगे, कमल का फूल खिलाओगे, इतिहास रचोगे, उसका भागीदार बनोगे, जलाना को आगे लेके जाओगे, किसी के रोने धोने के बताओ में तो नहीं आओगे। पक्की बात है, सैनी साहब को विश्वास दे दू, वो दिल्ली के कांड में बोल दू उनके थ्रू कि जलाना में कमल का फूल खिल रहा है। अगर आप मेरे को आश्वस्त करते हो, आपसे मैं एक बात कहूंगा, फिर अपनी बातों में विराम लगाऊंगा कि आप एक एक वोट की रखवाल कर दो, और सवेरे जब टेंट लगे ना वो लाइन टूटने मत देना, और जो पड़ोस में लगे उनका भाईचारे के नाते हाथ पकड़ के अपनी लाइन में खड़े कर लेना। ईवीएम मशीन है, तीसरे नंबर पे निशान है, उसको इतना दबा देना, नीले रंग का शायद बटन होगा उसको काला पीला कर देना, नीला मत रहने देना, और बाकी के जो बटन है ठार जुते भी रहे उनको नीला का नीला रहने देना। समझ गए ना क्या करना है। बतेरे न्यू कहेंगे बीजेपी वाले जो कि ईवीएम हैक कर देते हैं, मैं ये कह रहा हूँ अपना प्यार इतना दिखा देना कि ईवीएम मशीन में तो न्यू कह दे कि भाई साहब हमें बख्श दे, कितना बटन दबेगा, और ये फिर परेशान, हमने हमारे पर दोष लगाए कि ईवीएम हैक कर दी, इतना प्यार ईवीएम मशीन पे दिखा देना। कर दोगे ये काम, पड़ोसी ने भी संभाल कर दोगे, हाथ पकड़ के लाइन में लगा दोगे। अरे एक चीज और मैं बता दे, तुम आश्वस्त कर दे, तुम जो उड़ा लगा रखे ना तीसरी आंख वन लाइन कैमरा है, और जो न्यू झाके है ना आपके ऊपर, उसने न्यू कह देना वो खड़ा, वो तीसरी अदालत खड़ी है, और उसकी निगरानी आपका बेटा और आपका भाई लाइव खड़ा देखता रहेगा, आपको किसी के भी पास तक नहीं आने देगा। हर 10 से 15 मिनट में कोई ना कोई आपकी रखवाल करने हर बूथ पे जरूर पहुंचेगा। मेरी बात से आप सहमत हो, दोनों हाथ उठा लो, संकल्प की मुट्ठी बांधो और प्रचंड आवाज में जयकारा लगा लो, भारत माता की जय। लगातार जन समर्थन बढ़ रहा है, किस तरह का मैसेज आ रहे हैं, पहले आप यहाँ घोषणा करने लग रहे हैं, अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ। हॉट सीट कौन कहता है, हॉट सीट है, बड़ी ठंडी सीट है, और जो गर्मागर्म माहौल था वो बीजेपी के रुझान ने पहले ही ठंडा कर दिया। एक तो एक ही बात चल रही है, बीजेपी का कमल का फूल याड़े खिल रहा है। तो क्या मानते हैं जुलाना है जो यहाँ खिल पाएगा, आपकी बार आप मेहनत लगातार कर रहे हैं। भाई एक बार बता दियो, आड़े कमल का फूल खिलेगा कि नहीं खिलेगा, आवाज नहीं आई है मजबूती से बता दो। कि जब किसी का झंडा, जब किसी का डंडा झंडा उखड़ेगा तो बौखलाहट तो होगी, और जो है कि मैं तो या भी कह रहा हूँ डंडा तो उनका ले लेंगे, लेकिन झंडा तो बीजेपी का लगाएंगे। तो क्या मायने रहेंगे जुलाना के, आप सोच रहे जुलाने के हर घर में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे, किस तरह का आशीर्वाद है, आपने कहा गया बेरोजगारी मैं दूर कर दूंगा। मैं ये कहता हूँ कि जो उनका आशीर्वाद और प्यार है वो एक तरफा का रुझान बनता जा रहा है, उनका उमंग है, उत्साह है कि हाँ कोई वाकई में कोई सेवादार इस बार बीच में आया है। और रही बात है कि बेरोजगारी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कि 5 साल के लिए 2 लाख नौकरी उन्होंने निकाल दी है, इसके अलावा कहीं जरूरत पड़ी तो प्राइवेट नौकरियों के भी यहाँ पोछाड़ लगा दूंगा। तो लोगों से आप मिल रहे क्या बता रहे हैं, जो पिछला विधायक था उसने भी यहाँ पूरे जुलाना में विकास। देखो मैं किसी के बारे में कुछ ज्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ काम करने वाला हूँ। अगर मैं एक बात आपके बीच में साझा करता हूँ, जो पहले जितने भी विधायक रहे अपनी सद्बुद्धि के हिसाब से किसी को कितनी प्रायोरिटी दी है काम को लेकर के, उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा काम किया है, लेकिन जनता की जो उम्मीद है शायद उस पर खरे नहीं उतरे हैं। मैं ये कह देता हूँ कि जितना मेरे भाइयों ने जो पूर्व में विधायक रहे हैं उन्होंने जिस लेवल पे काम छोड़ा है वहाँ से उठा करके ले करके जा करके मैं यह जरूर बता दूँ, अगले 5 साल जो पिछले 70 साल है दोनों से आगे निकल जाऊँगा। तो नया चाह रहे हैं जुलाने में, तो क्या मानते हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, आपसे आशीर्वाद है, जो कमल की आप बात लगातार कर रहे हैं, जुलाने की डगर मुश्किल है। तो ये कहते हो जुलाना की डगर मुश्किल नहीं है,
बहुत आसान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है बहुत मजबूत है और बहुत संगठित है। और रही बात है कि आने वाले समय को लेकर के, कि यह जो समय है भाजपा के परिवार का समय है और 184,000 के विकास का समय है जिसको हम पूरा करेंगे। क्या पूछेंगे जुलाना से आप? जुलाना के जितने भी मेरे परिवारजन हैं उन सबको मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने इससे पहले की सारी सरकारों का आपने काम देखा है, लेकिन इस बार मैं ये कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि ये जो आपका भाई है, आपका छोटा बेटा है, ये सेवादार बन के आपके बीच में विकास की क्रांति के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए एक जो है कि आपके बीच में आया है। एक बार कमल का फूल यहाँ जरूर खिलाएं, 36 बिरादरी को आगे लेकर के जाकर के उनके साथ में विकास का काम करने में अहम भूमिका निभाएंगे। क्या बात है, सबसे ज्यादा भीड़ आपकी जनसभा में उड़ रही है, लोग दिल से आपसे मिल रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना कि तो उमंग और उत्साह है, सब लोग यही चाहते हैं कि जिस चीज़ का उनको इंतजार था ना, वो कोई ना कोई, मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करूँगा और मेरे साथ में मेरे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, जो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और युवा मोर्चा की तरफ से मेरे को यहाँ जो उम्मीदवार जो यहाँ भेजा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ सेवा भाव से हूँ और जनता के सर लास्ट पर्सन है मेरा, क्या मानते हैं जुलाना में क्या समस्या आपको दिख रही है? लोगों से आप मिल रहे हैं, गड़े मिल रहे हैं, माताओं से मिल रहे हैं, तो क्या कह रही हैं जुलाना की जनता आपसे? जुलाना की जनता यही मेरे तो न्यू कहे कि बेटा तू इतनी लेट क्यों आया, पहले आ जाना, इतना इंतजार नहीं करना पड़ता जुलाना को विकास को लेकर के। या जो भी गांव की छोटी समस्या है, बड़ी परेशानी है, उन सबको लेकर के मैंने ऑलरेडी अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है। सिर्फ 8 तारीख का रिजल्ट का इंतजार है जिसमें कमल का फूल खिल रहा है, उससे अगले ही दिन की शुरुआत काम से चालू कर दूंगा। बढ़िया बेटा, थैंक यू।